आज हरियाणा के अंदर लोग इतने दुखी हैं सारी पार्टियों से, 75 साल में सारी पार्टियां देख ली, ये वाली पार्टी भी देख ली, ये वाली पार्टी भी देख ली, वो वाली पार्टी भी देख ली, सारी पार्टियों ने अपना घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा जी, केवल अपना घर भरा, इतने पैसे कमा लिए, 7 पुश्ते इनके घर बैठ के खाएंगी। आज लोगों को एक ही पार्टी पे भरोसा हो रहा है, आम आदमी पार्टी पे। हरियाणा के इस तरफ पंजाब है, इस तरफ दिल्ली है, इधर जाते हैं तो देखते हैं यार जनता तो बड़ी खुश है, दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं यार जनता तो बड़ी खुश है। तो आपने क्या कसूर किया भाई, हरियाणा वालों ने क्या कसूर किया? अब सारा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, बड़ा बदलाव मांग रहा है। दिल्ली वालों ने बदलाव कर दिया, दिल्ली में पहले ये दो ही पार्टियां थी, दोनों पार्टियों का सूपड़ा साफ करके दिल्ली वालों ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया। फिर पंजाब वालों ने बड़ा बदलाव कर दिया, पंजाब में भी ये दो ही पार्टियां थी, पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया। आज पंजाब वाले भी खुश हैं, दिल्ली वाले भी खुश हैं, और उनका खुशी का सबसे बड़ा सबूत ये 1 लाख बिल लाए हैं आज हम बिजली के, एक आपके सामने लेके आए हैं, झूठ नहीं बोल रहे। अगर मैं आज इस स्टेज पे आके कहता दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने बिजली मुफ्त कर दी, आप में से यहां बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूं, आपकी रिश्तेदारियां दोस्ती पंजाब में भी होगी दिल्ली में भी होगी, उनको तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, पता नहीं मुफ्त करी नहीं करी। भाई साहब ये 1 लाख लोगों के बिल लेके आए हैं, दिल्ली में भी लोगों की बिजली मुफ्त है, 0 बिजली के बिल आते हैं, पंजाब वाला के भी 0 बिजली के बिल आवे, दिल्ली वाला के भी 0 बिजली के बिल आवे, तो हरियाणा वाला ने क्या कसूर कर रखा है? आप लोग भी अपने बिजली के बिल 0 कर लो, 24 घंटे बिजली कर लो। पहले ये लोग कहा करते थे ये 0 बिजली का बिल कर देंगे तो बिजली नहीं आएगी। भाई साहब पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में भी पंजाब में भी, आज दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है, तो 24 घंटे आपके पावर कट भी खत्म कर देंगे। इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, अनपढ़ नहीं हूं, डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी, मेरे को करना आता है, बिजली भी 24 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा और 0 बिजली का बिल कर दूंगा आपको। पढ़े लिखे को वोट देना इस बार। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इसराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। इसराइल कौन भेजता है? इसराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से, 2 मिनट जान के जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इसराइल? आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे, हमको नौकरी देनी आती है, मान साहब को नौकरी देनी आती है, केजरीवाल को नौकरी देनी आती है, आम आदमी पार्टी वालों को नौकरी देनी आती है। हमारे बच्चों को इसराइल मत भेजो, बच्चों को मरने के लिए इसराइल मत भेजो। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने पढ़ा, आप कुर्सी छोड़ दो खट्टर साहब, आपसे नहीं होता तो ऐसे लोगों को आने दो जो नौकरी दे सकते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता में लाओ ना जो नौकरी दे सकते हैं। आज बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है, ये पीछे पड़े हैं सबसे ज्यादा, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग, क्यों पड़े हैं ये मेरे पीछे, मेरा कसूर क्या है? हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये हमारा कसूर है, इसलिए हमें जेल डालना चाहते हैं। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अस्पताल ठीक करना चाहते हैं, हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इसलिए ये पीछे पड़े हैं। हम आपकी बिजली ठीक करना चाहते हैं, हम आपको मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। आज हम भी अगर इनकी तरह पैसे खाने लग जाएं और थोड़े पैसे इनको भेज दें, ये कहेंगे केजरीवाल बड़ा अच्छा चलती रहेगी हमारी सरकार, क्यों पीछे पड़े हैं ये? इसलिए हमारे पीछे पड़े हैं। जब से राजनीति में आया हूं मैं तब से ही हमारे पीछे पड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा नेता इन्होंने आम आदमी पार्टी के इन्होंने जेल के अंदर डाल रखे हैं। 2015 में हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, कितनी बार कानून लाला के कानून, हमने स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, अस्पताल ठीक करने चालू कर दिए, सड़कें ठीक करने चालू कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी दिल्ली के अंदर। इनसे तो इनकी तो मंशा नहीं है, ये तो काम करते नहीं है, पूरे देश के अंदर चर्चा होने लग गई दिल्ली की, तो इन्होंने तय किया केजरीवाल के काम रोको। एक कानून लेके आए 2015 में मेरे कानून काम रोकने के लिए, पर मैं पढ़ा लिखा हूं, ये एक काम रोकते हैं मैं दूसरा काम कर देता हूं। फिर एक और कानून लेके आए, फिर एक और कानून लेके आए, इतने कानून लाए मेरे काम रोकने के लिए, मेरी पावर खत्म करने के लिए, फिर भी मैं नहीं रुका। अब कह रहे हैं केजरीवाल को जेल में डालो,
इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया क्या क्या कसूर है उसने? उसका ये कसूर नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसका ये कसूर है कि उसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत की है। 75 साल से इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी, गरीबों को गरीब रखा जाता था, अमीर अमीर होते जाते थे। सत्येंद्र जैन को जेल में क्यों डाला? उसने हिम्मत करी है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छा इलाज दूंगा। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल 5-स्टार अस्पताल की तरह, पूरे देश से लोग आके अपना इलाज कर रहे हैं। आप भी जाना अपना इलाज कराने, कभी फ्री में सारा इलाज होता है। पर मैं जेल से डरने वाला नहीं हूँ, हरियाणा का हूँ। इनको कहना चाहता हूँ, हरियाणा वाले को डराने की कोशिश मत करना। हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का खून है मेरे अंदर, जेल से डरने वाला नहीं हूँ। केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, मैं ऐलान कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी 5 मांगे हैं जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो चाहे रंग को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा है भाई। उसके बाद पैसा बचता ही कहां, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है, महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और पांचवी मांग, इस देश के अंदर बिजली, सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो, गरीबों को फ्री बिजली दे दो। ये भी हो सकता है, मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और हमारे देश की मांग केवल 2 लाख मेगावाट है, तो जितनी मांग है उससे दुगनी बिजली पैदा कर रहा है हमारा देश। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं सत्ता कमाने नहीं आया, मैं सत्ता पे काबिज होने नहीं आया कि आज पंजाब जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, हरियाणा जीतेंगे, मेरे को कोई शौक नहीं है जी, घर बैठूंगा आराम से। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, तुम तो करोगे नहीं, और कोई और करेगा उसको पकड़ के जेल में डालोगे, तो जनता तो ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता तो ये बर्दाश्त, या तो तुम करो और या जनता उसके साथ खड़ी होगी जो ये करके दिखाएगा, है कि नहीं है भाई साहब? कट्टर देशभक्त हूं मैं, कट्टर ईमानदार हूं और राम जी का भक्त हूं। आज इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। मेरे ऊपर इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस छोड़ रखी है, पता नहीं आईबी, रॉ, क्या क्या एजेंसी छोड़ रखी है मेरे ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश का केजरीवाल है, सबसे बड़ा। ऐसे कर रखा है इन्होंने, इन लोगों ने कि केजरीवाल को पकड़ो। आतंकवादी मैं नहीं हूं, आतंकवादी ये लोग हैं जिन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है चारों तरफ। आज महंगाई सबसे बड़ा आतंक है, हर घर के अंदर आतंक फैला पड़ा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? महंगाई क्यों है? बिजली महंगी क्यों है? बिजली महंगी इसलिए है क्योंकि बिजली कंपनियों से इनकी सेटिंग है, बिजली कंपनियां इनके दोस्त की हैं, बिजली कंपनियां रेट बढ़ाती हैं और ये कुछ नहीं करते। आज पेट्रोल महंगा क्यों है? डीजल महंगा क्यों है? तेल की कंपनियां इनके दोस्तों की है, तेल की कंपनी वालों से इनकी सेटिंग है, तेल इन्होंने जानबूझ के महंगा कर रखा है। आज शिक्षा महंगी क्यों है? प्राइवेट स्कूल वाले फीस क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि शिक्षा माफिया के साथ इन लोगों की सेटिंग है। स्वास्थ्य माफिया, हेल्थ सेक्टर, आज दवाइयां महंगी क्यों है? क्योंकि इनकी सेटिंग है दवाई वालों के साथ। आज सड़क पे चल जाओ, हर जगह टोल ही टोल, टोल ही टोल। अगर हम बंद करा सकते हैं, हर क्षेत्र में इन लोगों की सेटिंग है, इसलिए महंगाई है। तो आतंकवादी तो तुम हो, तुमने आतंक मचा रखा, आतंकवादी केजरीवाल थोड़ी है। इनकी जहां जहां सरकारें उठा के देख लो, आज मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की अभी रिपोर्ट आई है, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे,
अब ये नहीं है तो बड़ा दुख होता है, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बीच वालों ने क्या कसूर करा है? आपके हाथ में है बटन दबा के इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। अक्टूबर में चुनाव है, अक्टूबर के चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों का आशीर्वाद है। लोकसभा चुनाव की राजनीति क्या नया रूप दिखा दे कह नहीं सकते। एनडीए बनाम इंडिया की महाभारत में शस्त्रों से ज्यादा मार बयान करते हैं, कहीं फूट तो कहीं सत्ता के नए समीकरण बनते हैं। इसी कड़ी में जनता के इन सम्मानीय प्रतिनिधि के बड़े बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें बताएं। और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ टुडे भारत से नमस्कार।